भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। भिवंडी शहर की 400 साल पुरानी कोतवाल शाह दरगाह सर्वे नंबर 14 पर मौजूद है, जो दीवान शाह दरगाह ट्रस्ट की ज़मीन पर है। बिल्डर भूमि माफिया कर रहे हैं इस पर अवैध निर्माण। इस पर चर्चा करने के लिए नामदार नवाब मलिक विचार मंच, इरशाद अहमद मोहम्मद सादिक अंसारी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए ये रिपोर्ट। इबादतगाह कोतवाल शाह बाबा की दरगाह के पास हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर बाबा के आस्थाने से लग के पत्रा लगा हुआ है, इसकी मालूमात मैं लेता हूँ। सर आपका नाम क्या है? आकिफ फकी। सर ये जो पत्रा लगाया गया सेट, इसके बारे में मालूमात दीजिए। ये हज़रत दीवान शाह सरकार की ज़मीन है, सर्वे नंबर 14 वक्फ की ज़मीन है, जिसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से बांध काम किया जा रहा है, जिसकी सर अगर बांध काम जो है गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है तो इसका आपके पास कोई प्रूफ है? ये लेटर दिया हुआ है कमिश्नर की उप कमिश्नर की तरफ से, पुजारी साहब की तरफ से और प्रभाग अधिकारी शमीम अंसारी की तरफ से। तो इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि 29 तारीख तक के इंतज़ार कीजिए, हम कानूनी तरीके से पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। और हम पब्लिक को कहना चाहते हैं कि इस तरह भिवंडी की वक्त की ज़मीनों के ऊपर कंटिन्यू बांध काम चालू है। और अभी जो ट्रस्टी कौन है और इसके ऊपर ट्रस्टियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? ट्रस्टियों की कार्रवाई चालू है, वक्फ बोर्ड की तरफ से इसके ऊपर केस भी किया हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर, ट्रिब्यूनल के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई चालू है और बहुत जल्द उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। लेकिन हमारी जब तक की अपील है अवाम से कि इस तरह वक्त की ज़मीनों के ऊपर लोग गैर कानूनी तरीके से बांध काम कर रहे हैं, तो यहाँ के अवाम का, यहाँ के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो किसी तरह से सहयोग करे और इन सब किस्म के बेकायदे से बने हुए बांध काम के अंदर अपना कोई हिस्सा ना ले और ऐसे ज़मीनों पर और ऐसे मकानात पर और ऐसी बिल्डिंगों को खरीदे नहीं। अच्छा, आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जो यहाँ बिल्डिंग बन रही है गैर कानूनी तरीके से बहुत से लोग ले लेते हैं, तो इस तालुक से आप कुछ अपील करेंगे? ये दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट की ज़मीन है, ये कानूनी तरीके से दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट की ज़मीन है, ये सर्वे नंबर 14 है। यहाँ की अवाम से अपील है कि अपने वक्त का माल मुद्दा बचाओ, इसको इस तरह लोग खा रहे हैं और बिल्डर माफिया इसको इस तरह से कब्ज़ कर रहा है, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ और आगे बढ़ो। बिल्डर कौन है, इसके बारे में मालूमात दे सकते हैं? इसके बारे में तो ज़्यादा मालूमात नहीं है, मुझको वक्ती तौर से सरसरी मालूमात मिली कि यहाँ पे बेकायदगी बांध काम चालू है और गैर कानूनी तरीके से दरगाह की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया गया है और यहाँ पे एक बेकायदी का बिल्डिंग का बांध काम चालू है और इस तरह से इन्होंने बड़े से पत्थरे मारे हुए हैं यहाँ पे और बायकायदा दरगाह की कोतवाल शाह की ज़मीन को लग कर, दरगाह को लग कर इन्होंने पत्थरे मारे हुए, देख सकते हैं आप जी। कैमरा बताइए उधर। और ये काम दिनों रात चालू है, इसके ऊपर ट्रिब्यूनल से स्टे भी है लेकिन यहाँ पे कोई भी किस्म की प्रशासन के तरफ से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीवान शाह दरगाह के मुजावर गुलाम भाई। मैं इनसे मालूमात लेने आया हूँ कि ये जो कोतवाल शाह दरगाह से लग के जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, पत्रा का शेड लगाया गया है, इसके बारे में ट्रस्ट ने क्या किया और इनकी क्या राय है? गुलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। दरगाह सर्वे नंबर 14 की ज़मीन है, वो दरगाह दीवान शाह की वफ़ की प्रॉपर्टी है और उस पर ट्रस्ट की जानिब से कार्रवाई चालू है और हम प्रभाग 4 के अधिकारियों से भी मुलाकात की है और उनसे कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हम मालूमात लेते हैं, आज प्रभाग अधिकारी से जो है इन्होंने मुलाकात किया है, अब प्रभाग अधिकारी ने दरगाह दीवान शाह सर्वे नंबर 14 के बारे में क्या बात किया है, इसकी मालूमात उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए इरशाद भाई। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे गुलाम भाई दरगाह दीवान शाह के मुजावर है, हमारे आकिब भाई है, हमारे जाफर बाबा है, आरिफ भाई है,
इन लोगों ने मेरे पास शिकायत लेके आए। सर्वे नंबर 14 पे बांध काम चालू है और वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे सिर्फ आवाम का अधिकार होता है। शासन प्रशासन से ही मैं चाहता हूँ कि उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको खाली किया जाए जल्द से जल्द। और ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो दरगाह कोतवाल साहब बाबा की दरगाह है उसको लग के पथरा मारा गया है, सटा के उसको पथरा मारा गया है। कोतवाल साहब बाबा की जो मजार है उसके बाजू में जो सहन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। शासन प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बिल्डर माफिया है इसके ऊपर जल्द से जल्द गुनाह दाखिल किया जाए और दरगाह कोतवाल साहब बाबा की मजार जो है उसके बाजू में जो पथरे मारे उनको उसको लग के पथरे मारने का जो काम किया उसको खाली कराना चाहिए और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और सर आपने आज जो है प्रभाग 4 के आयुक्त साहब से बात किया है, उन्होंने क्या किया है इस ताल्लुक से बताइए। प्रभाग 4 के अधिकारी जो है शमीम अंसारी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 28 तारीख को हम पेपर वर्क करेंगे। पेपर वर्क करने के बाद हम अपने टीम के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होती है हम कानूनी कार्रवाई 29 तारीख को करेंगे और ज़मीन ढोस करने का काम करेंगे। सर वहाँ पर जो है सर्वे नंबर 14 पे अवैध जो है बांध काम चालू है तो उस तालुक से आवाम को क्या जो है टिप्स देना चाहेंगे? कैसा है, वो दरगाह की प्रॉपर्टी है, दरगाह को मिलना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर सिर्फ जनता का अधिकार है। बांध काम उस पर चालू है लेकिन उस पर कोई परमिशन वगैरह नहीं है और उस पर वक्फ बोर्ड का स्टे भी है। स्टे होने के बाद भी वक्फ बोर्ड का अपमान हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। तो इस सर वहाँ पर अभी रात में भी काम हमने देखा है कि रात में भी काम चालू है, उस तालुक से क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा है, जो प्रभाग 4 का अधिकारी है ना वो झूठा आश्वासन दे रहा है, सिर्फ हम लोगों को तसल्ली के लिए झूठा आश्वासन दे रहा है। प्रभाग 4 का अधिकारी है, डिप्टी कमिश्नर है, कॉरपोरेशन का कमिश्नर है, इनकी सब सांठगांठ से काम हो रहा है। सर आपने कहा था कि 28 तारीख तक आश्वासन दिया है कि हमने कहा हम कार्रवाई करेंगे। आश्वासन दिया है, दिल की तसल्ली के लिए आश्वासन दिया है कि लोगों को कैसे भी करके मैं शांत कर दूँ। शांत करने का काम किया है, वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। और 6-8 महीने से काम चालू हो रहा है, रेगुलर रातों दिन काम चल रहा है। ये इनकी सांठगांठ से काम चल रहा है, खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, बाकी ये कोई कानूनी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। और अभी तक इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया है। और ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर कानूनी कार्रवाई 29 तारीख को नहीं करेंगे थे तो हमारे जो विचार मंच के जितने पद अधिकारी और कार्यकर्ता है इस पर आंदोलन करेंगे। ये थे हमारे विचार मंच के जो है अध्यक्ष श्री इरशाद अंसारी साहब, इनकी राय हम जान रहे थे। चलिए इरशाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।